जैसा कि दोस्तों हमें पता था कि आधार का वर्क सीएससी के माध्यम से स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंतर्गत 20,000 सिलेक्टेड सीएससी वीएलई वर्क कर पाएंगे आधार डेमोग्राफी का। मतलब दोस्तों ये जो 20,000 सीएससी सेंटर के माध्यम से स्टार्ट होने वाली है आधार का वर्क, जिसमें सिर्फ हम आधार में सुधार का काम कर पाएंगे, इसमें दोस्तों नया आधार कार्ड इनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अभी भी लोगों को बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नया आधार इनरोलमेंट करवाना होगा। सभी वीएलई को पता ही हो चुका है कि 20,000 सीएससी सेंटर के माध्यम से आधार का काम चालू होने वाला है। इसमें बहुत सारे लोगों का कहना था कि हर बार की तरह ये भी फेक वीडियो होगी सीएससी की ओर से, आधार का वर्क स्टार्ट नहीं होगा सीएससी सेंटर के माध्यम से। तो दोस्तों इसकी ऑफिशियल न्यूज भी आ चुकी है हमारे डीजी मेल में, जिसे आपने भी शायद रीड कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने रीड नहीं किया तो अपने डीजी मेल को आप ओपन करें। तो चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार आपको उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड करना है। इसके लिए दोस्तों हम अपने डीजी मेल को ओपन करेंगे। जब हम दोस्तों अपने डीजी मेल को ओपन कर लेंगे, हमें फिर जंक के इनबॉक्स में चले जाना है। जब हम दोस्तों जंक की फोल्डर को ओपन कर लेंगे, फिर हमें क्या करना है, थोड़ी स्क्रॉल को डाउन करेंगे और अब हमें 28 अप्रैल की न्यूज़ लेटर को ओपन करना है। तो ये रहा, अब इसकी जो पीडीएफ की लिंक होगी दोस्तों हिंदी या इंग्लिश की, जिसमें आप रीड करना चाह रहे हो, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों सीएससी की न्यूज़ लेटर ओपन हो जाएगी। अब हमें स्क्रॉल डाउन कर लेनी है आधार से रिलेटेड वर्क ऑफिशियल न्यूज़ जानने के लिए। फोर्थ पेज नंबर में जब हम आएंगे लीड वाली ऑप्शन में, तो आप पढ़ पाएंगे यूआईडीआई ने सीएससी को प्रदान कराई आधार अपडेशन सुविधा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कॉमन सर्विस सेंटर को आधार अपडेट की सुविधा देने की अनुमति दे दी है। माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने एक ट्वीट में कहा कि आधार को नागरिकों के लिए अपडेट करना आसान बनाने के लिए यूआईडीएआई ने आधार अपडेट सेवाओं की पेशकश करने के लिए सीएससी जो बैंकों के नामित बैंकिंग संवाददाताओं को अनुमति दी है। लगभग 20,000 ऐसे सीएससी अब नागरिकों को यह सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो ये रहा दोस्तों हमारे डीजी मेल में जो ऑफिशियल न्यूज आई है आधार से रिलेटेड, कि क्या अपडेटेशन हम कर पाएंगे आधार में और कितने लोगों को फर्स्ट फेज में ये आधार का काम मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आधार अपडेट करने की ऑफिशियल वेबसाइट भी लॉन्च हो चुकी है। इसे ओपन करने के लिए हमें यूआईडी सीएससी क्लिक देना है, फिर हम इसे इंटर कर देंगे। हमारी कर्सर जहाँ ब्लिंक कर रही है दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट csc.uid.in, इसी वेबसाइट को हमें ओपन करना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यूजर आईडी और पासवर्ड, जिन भी 20,000 सीएससी वीएलई का यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा वही सीएससी वीएलई इस पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे। अभी तो क्रेडेंशियल बनने स्टार्ट नहीं हुई, सिर्फ दिल्ली में ये स्टार्ट हो चुकी है, आने वाले समय में सभी राज्यों में स्टार्ट हो जाएगी। तो आशा कर सकते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास बीसी पॉइंट है तो आपको भी शायद ये मिल जाए, या फिर जितने भी सीएससी वीएलई ने अच्छा ट्रांजेक्शन किया है डिजिटल सेवा के पोर्टल के माध्यम से, उन्हें भी सीएससी अपडेशन का काम मिलने की उम्मीद है। अगर हम दोस्तों पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश करें तो क्या इसमें मांगती है, तो चलिए इसे देखते हैं। जब भी हम पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश करेंगे तो अपनी सीएससी आईडी हमें डालनी पड़ेगी, इसके बाद हम रिसेट के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इनवैलिड यूजर आईडी, मतलब अभी क्रेडेंशियल नहीं बनी है, जिसके कारण हमारे पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है और हम इसमें लॉगिन नहीं कर सकते। आने वाले समय में बहुत जल्द ये आधार अपडेशन का काम सीएससी के माध्यम से स्टार्ट हो जाएगी, जिसके बाद आप आधार में अपडेट का काम कर पाएंगे, जैसे कि नाम चेंज करना हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, या फिर एड्रेस आप चेंज कर पाएंगे। नई आधार कार्ड जो है दोस्तों वो बैंक और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही बनेगी। अभी जैसे ही दोस्तों आधार अपडेशन का काम स्टार्ट हो जाता है सीएससी के माध्यम से, तो मैं इसकी फुलफिल वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल में। अंत में आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे आते रहते हैं।